নমস্কার দোস্ত, মানে দিব্যেন্দু মন্ডল শিব স্টক ট্রেডিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস মেরা ইউটিউব চ্যানেল অফিসে আপনার স্বাগত করতে হুম। মেরা বাই সেল সিগনাল কাম স্কিনার আপলোক যে মেরা ওয়েবসাইট www.stocktradingadvisor.wordpress.com মে দেখতে হয় উসিটা থ্রু মে রেগুলার ভিউ দিতে হুম। মেরা ওয়েবসাইট পেজ পে, ফেসবুক পেজ পে অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ পে উসিকো আপলোক স্ক্রিন করকে দিখাতা হুম। उसमें डाटा में जाइए, फिल्टर लगाइए, प्रायोरिटी वन को फर्स्ट कर लेता है, बाई साइड में देखता है, वन किया, टू थ्री कर लिया, इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। इसको प्राइस को 100 से ग्रेटर कर लेता है, और इधर EMA क्रॉसओवर को कर लेता है 5813। बुलिंजर बैंड को मिडिल बैंड क्रॉस कर दिया, अपर बैंड का ज़रूरत नहीं है। एमएसडी देखिए पॉजिटिव हो गया, आरएसआई थोड़ा सा इधर ओवरबॉट दिखा रहा है तो इसीलिए मैंने छोड़ देता हूँ। आरएसआई ओवरबॉट ओवर सिचुएशन से बहुत दूर जा सकता है, और इधर पॉसिबल ब्रेकआउट को कर लिया नैरो रेंज ब्रेकआउट, और एक्चुअली जो इंडिकेटर देता हूँ ये चार्ट में आप लोगों को पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन वैल्यू सभी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मैं जो इस तरीका बनाता हूँ कि हाई लो ओपन हाई लो क्लोज इसका एवरेज कंसीडर करता हूँ। चार्ट में आप लोग को ओनली क्लोजिंग प्राइस का हिसाब से दिखाता है, तो इसलिए नहीं आएगा। और इधर देखिए LTP का पोजीशन पिवट पॉइंट और R1 R2, मैं ज़्यादा दूर नहीं देखता हूँ कि R1 R2 के बीच तक देखता हूँ, नहीं तो ओवरबॉट हो जा सकता है, और इसको 200 प्लेस का छोड़ देता हूँ 52 वीक का। और देखता है देखिए लास्ट डे का जो पॉजिटिव चेंज इन प्राइस, लास्ट डे का पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम एंड पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसको भी कर लेता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए सब फार्माको का आया है, आप लोग सेक्टरल इंडेक्सेस चेक कर सकते हैं। आज फार्मा को सेक्टर में सबसे ज़्यादा गेन किया है, मैंने इसको कैडिला हेल्थ को दिखाता हूँ ऑप्शन चेन में। देखिए इधर कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, थोड़ा सा चेंज इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड नेगेटिव आ रहा है, और इधर चेंज इन पॉजिटिव, और इधर इधर जो रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है 420 में, और देखिए ये शिफ्ट हो गया, सपोर्ट शिफ्ट होके आ गया 400 में सपोर्ट लेवल है। इधर देखिए चेंज इन प्राइस डिक्रीज हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन प्राइस नेगेटिव है, इसका मतलब इधर लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, और इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो ये आप जाने का पॉजिटिव दिखाता है। PCR थोड़ा सा हाई है, लेकिन IB देखिए वोलेटिलिटी कम है कॉल साइड में, तो इसका मतलब है ये अप साइड में जाने का चांस है। अभी तो ज़्यादा होता है, मैं चार्ट